हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको मिलते हैं सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे इग्नू की ओर से हमारा बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट आ चुका है और ये बाय पोस्ट आया है, स्पीड पोस्ट के जरिए। तो इसे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसलिए सोचा आपके लिए वीडियो बना दो, क्योंकि ये बहुत लोगों का इंतजार होता है कि कब ये आपका सर्टिफिकेट आएगा। तो सारा कुछ बताऊंगा मैं कि आपके रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आपका ये सर्टिफिकेट आ सकता है आपके घर पे, और इसमें क्या क्या डिटेल्स में दिया रहता है, आपका मार्कशीट कैसे चेक करना है, सारा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये आपको स्पीड पोस्ट के जरिए आएगा और आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपने जो एड्रेस दिया था, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो एड्रेस दिया था, उसी एड्रेस पर आपका ये आएगा। यहाँ पर आपका नेम डिटेल रहेगा और यहाँ पर आपको लिखा है, देखिए फ्रेंड्स, इग्नू लिखा हुआ है और जन जन का विश्वविद्यालय, यानी आपको सारा कुछ इसमें अंदर आपको इनवेलप में क्या क्या है वो भी खोल के दिखाऊंगा मैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको ये इनवेलप को बहुत ही सावधानी से इसको अनबॉक्सिंग करना है, क्योंकि हो सकता है आपका ये मार्कशीट इसका पूरा कवर में अटैच हो किया हो, तो हो सकता है फट जाए। तो इसलिए आप इसे आसानी से इसको लाइट के थ्रू देख के आसानी से कोर वाइज यहाँ से आप इसको कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना फट जाए। ठीक है, चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ साइड से इसको कट कर लिया है, तो आप भी ऐसे कट करके आसानी से आपका अपना मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसमें से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको चलिए देखता हूँ खोल के इसमें है क्या। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स इसमें आपको दो पेपर मिलेंगे, जिसमें एक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और ये कब तक वैलिड है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और पहले हम बात करते हैं मार्कशीट के बारे में कि आपका मार्कशीट कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा आपका मार्कशीट है और इसमें क्या क्या डिटेल में दिया हुआ है सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे सामने मार्कशीट है और इसमें देखेंगे डिटेल्स में कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपका मार्क्स कैसे दिया हुआ है। तो एक एक डिटेल दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे और भी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके इसमें सारा डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और जो मैंने कवर कर दिया, यहाँ पे नाम और आपका एड्रेस होगा जिस एड्रेस पे आपका आया हुआ है सर्टिफिकेट, और ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सारा कुछ डिटेल आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्ट्रीम लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी ये स्टूडेंट आर्ट से अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका और ये आपको काम आएगा हमेशा। और यहाँ पे डेट, किस डेट में इशू किया गया वो डेट लिखा रहेगा फ्रेंड्स। उसका टर्म एंड एग्जाम, ये किस एग्जाम का आपका रिजल्ट है, यानी आपका लास्ट एग्जाम कौन सा हुआ, तो ये जून 2019 का है, मीडियम आपका हिंदी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एडमिशन ईयर लिखा हुआ है, तो जनवरी 2016 में इसने एडमिशन कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका पूरा मार्क्स दिया हुआ है, आपका कोर्स वाइज कौन सा कोर्स, आपका कोर्स कोड इस साइड लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका उसका फुल नेम लिखा है, कोर्स टाइटल। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले नीचे आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि बहुत से जन कन्फ्यूज होंगे कि इनका कितना परसेंटेज हुआ है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट मेजर इन पॉलिटिकल साइंस, यानी आपका पॉलिटिकल साइंस से इनका कंप्लीट हो गया बैचलर डिग्री और सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद 58% मार्क्स सेकेंड डिवीजन। तो फ्रेंड्स 58% कम नहीं होता है, बहुत होता है इग्नू की नज़र से आप देखें तो। अगर आप 50% से प्लस जाते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका हुआ है। और आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं एक बार कि जो टर्म आपको समझ में ना आए तो उसका फुल फॉर्म डिटेल में दिया हुआ है। और कितने परसेंट मार्क्स में आपका फर्स्ट डिवीजन होता है, कितने परसेंट में सेकेंड डिवीजन, वो सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल में। और चलिए अब इसको एक एक करके हम देखते हैं कि असाइनमेंट का मार्क्स। और तो चलिए फ्रेंड्स आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला जो सेमेस्टर था, यानी क्रेडिट सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिसमें वन लिखा हुआ है वो आपके, सॉरी फ्रेंड्स एक कॉल आ गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें आपका सेमेस्टर वन लिखा हुआ है, यानी आपके पहले सेमेस्टर का मार्क्स दिया हुआ है और डिटेल्स में दिया हुआ है, मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका क्रेडिट दिया हुआ है, यानी पहला था 4 क्रेडिट का, उसके बाद 8, 8, उसके बाद 8 और चौथा था, पांचवा था 4 क्रेडिट का। तो पहले नंबर पे आप यहां देख सकते हैं मार्कशीट मार्क्स इन असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट में आपका कितना मार्क्स आया फ्रेंड्स। यहां पे नोटिस करने वाली बात है, यहां पे आपका डायरेक्ट मार्क्स लिखा हुआ है, परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ है। यानी जैसा कि आपको पता है आपके आपका जो भी असाइनमेंट में मार्क्स आता है उसका 30% कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ डिटेल में
आपको देखना है कि आपका मार्क्स कितना आया है, ठीक है। ये 30% कैलकुलेट करके आपका 10 नंबर और 19 नंबर यानी इस टाइप से आपका दिया रहेगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा अपना, सबका अलग अलग होगा आपका जितना मार्क्स आया होगा। और मार्क्स इन टर्म एंड एग्जाम, आपका थ्योरी में कितना मार्क्स है वो यहाँ पे लिखा रहेगा, और उसी प्रकार ओवरऑल मार्क्स यानी दोनों को ऐड करके कितना मार्क्स आया है वो आपका यहाँ डिटेल में लिखा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 50 100 100 यानी आपका जितना मैक्सिमम मार्क्स होगा उस सब्जेक्ट में वो पार्टिकुलर यहाँ पे लिखा रहेगा। और स्टेटस यानी ये स्टेटस आपका कंप्लीट हुआ है आप कि नहीं किए हैं वो यहाँ सक्सेस स्टेटस लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ सक्सेसफुल्ली इसका हो चुका है तो एस सी लिखा हुआ रहेगा। और टर्म इन मंथ मंथ ईयर, ठीक है, या आप किस मंथ में जिस पार्टिकुलर एग्जाम जो सब्जेक्ट है वो किस महीने में दिए हैं वो यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे जून 2017, ठीक है। उसी प्रकार आपका सारा कंप्लीट हो गया है जून 2019 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप फुल मार्क्स देख सकते हैं, सारा कैलकुलेट करके 1200 का फुल मार्क्स था, और जिसमें इन्होंने 693.80 मार्क्स ऑब्टेन किया, और इनका सक्सेसफुल्ली सेकेंड डिवीजन से क्वालिफाई कर चुके हैं 58%। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो अब आगे बढ़ते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ओर, जो मार्कशीट के साथ हमारे सामने आया हुआ है पोस्ट के जरिए। तो उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आपका ये सर्टिफिकेट कैसे आएगा और मार्कशीट आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे आपके घर तक पहुंचेगा। तो बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि क्या फॉर्म भरना पड़ता है या कुछ प्रोसेस है मंगाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका कोई प्रोसेस नहीं है। आप जैसे ही आपका टर्म एंड एग्जाम कंप्लीट होता है आपका सेमेस्टर का, आपका लास्ट सब्जेक्ट जो भी है और वो कंप्लीट होता है, वो रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसी समय यह इशू कर दिया जाता है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, आप 10 दिन 15 दिन के अंदर, आपका मेरा 8 दिन के अंदर आ चुका है और आपका 10 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आ ही जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अब आपके सामने है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। फ्रेंड्स जब तक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आता आपका ये बहुत उपयोगी होने वाला है। आप जो भी कहीं पे रिक्वायरमेंट होता है आप इसको आसानी से दे सकते हैं, इसका भी वैल्यू उतना ही है। लेकिन कब तक वैल्यू है इसका वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का है, ठीक है। और यहाँ आपका एड्रेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली 110, ये पिन कोड दिया हुआ है। तो आपका ये सीरियल नंबर हुआ, ठीक है। इसको आप अच्छे से इस सर्टिफिकेट को तब तक संभाल के रखिए जब तक आपका कॉन्वोकेशन ना हो जाए, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपका सर्टिफाइड डेट, यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, पहले नाम रहेगा आपका, उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर रहेगा, उसको मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका लिखा रहेगा हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीटेड कर लिया है। आपका भी इसी प्रकार होगा, आपका स्ट्रीम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग। और एग्जामिनेशन कब हुआ था तो वो यहाँ पे जून 2019 लिखा हुआ है, यानी जून 2019 में कंप्लीटेड इनका हो चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ मार्कशीट आपको ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, यहाँ पे आपका डेट मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रजिस्ट्रार का सिग्नेचर, ये होना बहुत उपयोगी है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिसिंग हो जाता है कभी कभी, नहीं होता है तो आप इस पर कॉल करके या कुछ ईमेल करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बात कर लेते कुछ एक्सटर्नल जानकारी की फ्रेंड्स। यहाँ लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ वैलिड टिल ओरिजिनल इशूड एट द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है पिछला कॉन्वोकेशन कब हुआ था फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में पिछला कॉन्वोकेशन किया गया, जिसे हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि दीक्षांत समारोह क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपने बैचलर का डिग्री कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ये तब तक आपका वैल्यूएबल है, तब तक आपको ये वैलिड रहेगा जब तक कि आपका ओरिजिनल इशू ना कर दिया जाए। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने वाला रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉन्वोकेशन में नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस है, आप फॉर्म भर सकते हैं और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके घर पे पोस्ट के द्वारा आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जा सकते हैं आपका नज़दीकी जहाँ पर ये कॉन्वोकेशन किया जाएगा उसका एड्रेस दिया रहेगा, तो आप आसानी से जाके वहाँ पर एक फॉर्म भर के, फॉर्म तो आपको एनी हाउ भरना ही पड़ेगा या आप जाएँ या ना जाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है इग्नू से रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहें। और इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।